हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं। आज सुबह सुबह की रीडिंग हमारी क्या होगी, आपको पता ही है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। सारे जोडियक साइन की हम रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। टैरो रीडिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जो भी नए व्यूवर हैं, जो भी पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाया करे, ठीक है। और जो भी पर्सन मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे चलती है, यहाँ पे शो होती है। तो आप जो है ना वहाँ पे उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग कॉल ना करें, कॉल मैं रिसीव नहीं करती, मैं वहाँ पे व्हाट्सएप को मैं हैंडल नहीं करती हूँ। तो आप जो है ना सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। तो वहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ये जो है ना पर्सनल रीडिंग फ्री रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। और उसके कुछ चार्जेस हैं जो आपको पे करने होते हैं, उसके बाद आपको रीडिंग मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, तो वैसे ही आप लोग लें। मैं सारे ही साइन की यहाँ पे रोज़ जो है ना इस चैनल पे रीडिंग करती हूँ, और जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है कि ये रीडिंग कैसी होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एरिस से स्टार्ट करते हैं, एरिस वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एरिस द शामैन का कार्ड आया है, और यह है हमारे पास एंजल मैसेज द सन का कार्ड आया है। तो एरीज, आप लोगों की लाइफ में आज बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आज बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में आज कुछ ऐसा होने वाला है जैसे कि जादू लगेगा ना, कि जैसे कि जादू हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ जो है ना आपकी लाइफ में आने वाला है, ग्रोथ होगी। आपको बिजनेस, आपके हेल्थ की बात करें तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है, आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आज ग्रोथ होने वाली है, कहीं पैसा लगाने की अगर आप सोच रहे हैं तो आज लगा सकते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा दिन है ये, ठीक है। और यहाँ पे और मैं देखूँ तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना आज आने वाली है। कोई हैप्पी गुड न्यूज़ जो है ना आपको मिलने वाली है, कोई हैप्पीनेस जो है ना आप के लाइफ में आज आने वाली है। तो आप जो है ना आज बहुत ही इंजॉय करोगे, अपनी लाइफ को खुल के जियोगे, फ्री माइंडेड रहोगे, खुश रहोगे, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे यही बता रहा है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आज आने वाली है। आज दिन खुशियों का है, आप झूमने वाले हो, ठीक है। हेल्थ वाइज, करियर वाइज, जॉब वाइज, सारे ही एरिया में जो है ना आपको आज हैप्पीनेस 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 मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर, आप देखते हैं यहाँ पे एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द सन का कार्ड आया है, देखिए लाइफ इज लाइफ आपकी जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। जैसा कि ये दोनों ही कार्ड को देख रहे हैं आप, दोनों ही कार्ड 1+9=20 होते हैं ना, तो 2 और ये 1, तो कुछ जो है ना आपकी लाइफ में कल और आज जो है ना यहाँ पे आज 2 है ही, मतलब कि आज क्या डेट है, 2 है ना। तो यहाँ पे जो है ना कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आज आपकी लाइफ में बहुत ही कुछ चीज़ें चेंजेस आने वाले हैं। एक लाइट आने वाली है, एक बहुत ही खूबसूरत चेंज आने वाला है जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। आप बहुत ही जो है ना आज पॉजिटिव थिंकिंग करोगे। देखो ये कार्ड भी जो है ना ये एंजल बता रही हैं कि आज आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है किसी भी वर्क में, ठीक है। तो ये रही एरीज की रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे राशि की, दूसरे जोडियक साइन की रीडिंग हम करते हैं। तो जिनके साथ रेजोनेट करती है, जिनको अच्छी लगती है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। तो अब हम करते हैं टॉरस की रीडिंग। टॉरस का कैसा रहने वाला है आज का दिन, कैसा रहेगा आज का दिन आपका टॉरस। पेज ऑफ बोस का कार्ड आया है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास कार्ड आया है जस्टिस का कार्ड, ओके। तो यहाँ पे जो है ना आज चीज़ें कैसी रहने वाली हैं टॉरस आप लोगों के लिए,
तो टॉरस, आप लोगों की लाइफ में आज बहुत ही अच्छा आज ग्रोथ आएगा। फिर वही जो है ना, आपकी लाइफ में आज बहुत ही कुछ चेंजेस होने वाले हैं, बहुत ही कुछ ऐसा होने वाला है जिसका आपको वेट था, जिस पोजीशन की आपको वेट थी। यहाँ पे प्रमोशन मुझे मिलते हुए कुछ लोगों के दिख रही है, यहाँ पे कुछ लोगों की जॉब लगते हुए आज दिख रही है, कुछ जो है ना गुड न्यूज़ भी मुझे मिलते हुए दिख रही है। आपके करियर में जो है ना, आपको आज कुछ अच्छी पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड मुझे बता रहा है, अगर आप जो है ना, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही थी, बहुत टाइम से आप पेन में थे, तो आज जो है ना वो चीज़ें जो है ना धीरे धीरे आज से कम होने स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी हेल्थ वाइज भी देखा जाए तो ये कार्ड मुझे बहुत ही अच्छे इंडिकेट्स दे रहा है कि आपकी हेल्थ में ग्रोथ आएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में अब ग्रोथ आने वाली है, आपकी हेल्थ सुधरने वाली है, ठीक है। इतनी टाइम से जो आपकी हेल्थ ख़राब चल रही थी, अब जो है ना इसमें ग्रोथ आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं। अब देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस दे रही हैं। तो एंजल्स बता रही हैं कि आपके साथ जो है ना ये जस्टिस होगा, ठीक है। और आप जो है ना सच के लिए लड़ रहे हो, सच के लिए जो है ना आज आप खड़े होगे, आपके साथ जस्टिस होगा। इतने टाइम से हो सकता है कि आप जस्टिस का ही वेट कर रहे थे, तो आज आपको जस्टिस मिलेगा। दोनों ही कार्ड्स मुझे जस्टिस का ही बता रहे हैं कि आपको जस्टिस ही मिलने वाला है, ठीक है। आपके फेवर में जो है ना ये रिजल्ट आने वाला है, और आप जो है ना गिव अप मत करो। आपको एंजल्स बोल रही हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए आपको डट के सामना करना है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है। तो चलिए ये रही टॉरस की रीडिंग, तो चलते हैं अब जेमिनी की तरफ, देखते हैं जेमिनी का कैसा रहने वाला है आज का दिन। तो सबसे पहले जो भी व्यूवर नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जो है ना रोज़ नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ उस वक्त। तो यहाँ पे और कार्ड्स मेरे पास आए हैं आपके लिए जेमिनी। तो आपका दिन कैसा रहने वाला है, नाइन ऑफ बोस का कार्ड आया है। यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके सामने कुछ जो है ना चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। आपके सामने कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ जो है ना यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर किसी बात की डर रह सकती है। कुछ एनर्जीज जो है ना ऐसी है कि आप किसी से बात करने में डरोगे, किसी से कुछ कहने में डरोगे, ठीक है। आप अपने बॉस से भी बात करने में आज जो है ना हिचकिचाहट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज का दिन जो है ना आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि सही रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे आज आपको कोई जो है ना आपसे किसी की लड़ाई हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो है ना मुझे एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है कि आज आपके लिए उतना अच्छा दिन नहीं रहने वाला है। जॉब वाइज देखें, करियर वाइज देखें, या हेल्थ वाइज भी देखें, तो यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा आज नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये बता रहा है। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपको। तो एंजल गाइडेंस देना चाहती हैं, यहाँ पे किंग ऑफ माइकल का कार्ड है। तो ये कार्ड जो है ना ये मुझे बता रहा है ना कि अभी जो टाइम है ना ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान दो और अपने चारों तरफ ही जो है ना ध्यान दो, ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्टली कम्युनिकेशंस करो किसी के साथ, जिसके साथ आप कम्युनिकेशंस कर रहे हो उसके साथ जो है ना ओपनली होकर के कम्युनिकेट करो और उनसे बातें करो खुल के इस सिचुएशन के बारे में। जिस भी सिचुएशन के बारे में आप हो ना, ये सिचुएशन आपके सामने आने वाली है ना, तो आप उसके बारे में बात करो, जिससे भी ये आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है ना उसके बारे में आप खुल के बात करो, जिसके लिए आपके मन में डर बैठा है, ठीक है। तो ये जो है ना एंजल्स आपको बता रही है कि आप ठीक रहो, और यहाँ पे जो है ना आप अपने यहाँ पे कह सकते हैं कि फोकस रहो और सही डिसीजन लो, ऑनेस्ट रहो अपने डिसीजन के साथ, अपने फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहो, अपने दिल की सुनो, दिमाग की मत सुनना, ठीक है। दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, तो वही जो है ना जो सच हो, जो सही हो, उसको आप चूज करना, यही एंजल्स आपको बता रही हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैंसर की रीडिंग, देखते हैं कैंसर वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। टेन ऑफ वेसल्स का कार्ड आया है। टेन ऑफ वेसल्स का कार्ड यानी कि आज आपकी लाइफ में कुछ जो है ना हैप्पीनेस आने वाली है,
ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ जो है ना, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ घूमने का, प्लानिंग कर रहे थे पिकनिक पे जाने का, और प्लानिंग कर रहे थे कहीं बाहर आउट ऑफ इंडिया या फिर कहीं भी देश विदेश कहीं घूमने का प्लान कर रहे थे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आज जो है ना आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस आने वाली है। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग पिकनिक मनाने भी जा सकते हैं आज, और आज का दिन जो है ना एक खुशियों भरा माहौल लेकर के आएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे और कार्ड्स जो है ना मुझे बता रहे हैं कि आज जो है ना आपके आपसे जिनका कांटेक्ट नहीं था, मतलब आपकी फैमिली में अगर कोई आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा था, आपसे बातें नहीं हो रही थी उससे, तो उसकी आपसे बातें होंगी। अगर फाइनेंस वाइज या करियर वाइज भी देखें तो यहाँ पे मुझे आज आपको कोई गुड न्यूज़ मिलते हुए ही दिख रही है। ठीक है, तो आज आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कैंसर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज का दिन। देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपको। तो एंजल गाइडेंस देना चाहती हैं कि आज अपना खुद को जो है ना रिलीज करो, खुद को बांध के मत रखो, खुद को जो है ना उड़ने दो। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आप डिसीज़न लो। ठीक है, खुल के जियो, खुल के लाइफ को एंजॉय करो, जो मोमेंट है ना उसको खुल के जियो। और यहाँ पे जो है ना आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, अपने पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो ये सोच के करो। ठीक है, तो ये टाइम है डिसीज़न लेने का, तो आप डिसीज़न लो। ठीक है, तो ये है आज कैंसर का की ये रीडिंग रही। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लियो का दिन कैसा रहने वाला है आज का। तो यहाँ पे है द वंडर का कार्ड और यहाँ पे है क्वीन ऑफ एरियल का कार्ड, एंजल गाइडेंस। ओके, तो यहाँ पे लियो आज का दिन जो है ना, आज आपका रहेगा कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, किसी से बातें करना चाहते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो। यहाँ पे ये कार्ड मुझे बता रहा है आप किसी भी एरिया में जो है ना न्यू बिगनिंग करना चाहते हो और उसमें सक्सेस भी चाहते हो। एक तरीके से कहा जाए ना कि आप बिना कुछ सोचे समझे आगे की प्लानिंग करके ही जो है ना आज आप कोई कदम उठा लोगे। ठीक है, आगे के बारे में या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे, बस मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये जो है ना ये वाली रहेगी फीलिंग आपकी। ठीक है, तो आज का दिन जो है ना ऐसा रहने वाला है, कोई जो है ना आप एक्शन लेने के मूड में हो और एक्शन ले सकते हो आज। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे जो है ना एक्शन ले लोगे। तो पहले यहाँ पे जो है ना ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि कोई एक्शन लोगे आप। ठीक है, न्यू बिगनिंग करोगे आप, चाहे जॉब वाइज करें, करियर वाइज करें या हेल्थ वाइज भी करें ना, तो आपकी यहाँ पे वही रहेगी, थोड़ी सी जो है ना जल्दबाजी भी रहेगी। चलिए यहाँ पे जो है ना एंजल गाइडेंस देखते हैं। एंजल है क्वीन ऑफ एरियल, ये आपसे बताना चाहती है ना कि नेचर से लव करो। ठीक है, अपने आप से लव करो, अपने आप से लव करो, नेचर से लव करो। ठीक है, तो आप जो है ना उनसे कनेक्ट हो, देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। ठीक है, और प्रैक्टिकल रहो, और जो एडवाइस देता है ना उसको सोचो समझो, देखो सोचो समझो। ठीक है, कोई भी एक्शन लेने के पहले जो है ना किसी अपने बड़े की एक एडवाइस ले लो, उनसे डिस्कस कर लो कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। तो आपको यहाँ पे एडवाइस के लिए एंजल्स बोल रही हैं कि आप एडवाइस लो किसी की। ठीक है, ऐसे बिना सोचे समझे कुछ मत करना। ठीक है, तो ये रही लियो की रीडिंग। चलिए अब हम आगे जोडियक साइन की रीडिंग करते हैं, दूसरे जोडियक साइन यानी कि वर्गों की रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या कैसा रहेगा वर्गों का दिन आज का दिन। तो यहाँ पे 10 of Stone का कार्ड है और यहाँ पे है मेरे पास Knight of Michael का कार्ड। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आज का दिन जो है ना आप अपने घर में रहोगे, मतलब कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, या फिर आपके जो है ना आज रेस्ट का भी दिन है, तो आप आज रेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आपको जो है ना यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है आज कुछ प्लानिंग भी कर सकते हो घर के लिए, घर में कुछ बदलाव भी करने की सोच सकते हो आप। तो यहाँ पे कुछ मुझे चेंजेस भी होते हुए दिख रहे हैं आज आपके घर में। ठीक है, आप अपने ऑफिस में चेंजेस करना चाहते हो, अपने घर में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, पेंट वगैरह, ये जो है ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पे आज करने की सोच सकते हो। ठीक है, कुछ चेंजेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं आपके घर में। ठीक है, तो
तो चलिए यहाँ पे आज का दिन जो है ना ठीक ठाक रहेगा आपका, करियर वाइज देखे या फिर हेल्थ वाइज देखे। तो देखिए यहाँ पे एंजल गाइडेंस क्या है आज के लिए आपकी। तो यहाँ पे जो है ना एंजल बता रही है कि क्विकली जो है ना टाइम से आगे बढ़ो, यहाँ पे देर मत करो, ठीक है, टाइम से जो है ना आगे बढ़ो, किसी भी चीज़ को जो है ना टाइम से करो और लॉजिक लगाओ, इमोशंस में बह के काम मत करना आज, ठीक है, लॉजिक से ही काम करना, दिमाग की सुनना, दिल की मत सुनना, इमोशंस में नहीं बहना, ठीक है। कोई भी आज डिसीजन लेने की सोच रहे हो, कोई एक्शन लेने के लिए सोच रहे हो, तो दिमाग की सुनना, लॉजिक लगाना, दिल की नहीं, यहाँ इमोशंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अचानक से कुछ चेंजेस होने वाले हैं आज आपकी लाइफ में, तो आप सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना हो, सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है। यहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगाना, मैं बार बार बोल रही हूँ कि दिमाग ज़्यादा लगाना, दिल की मत सुनना, क्योंकि इमोशंस का आज काम नहीं है। जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो उसमें इमोशंस काम नहीं आएंगे, दिमाग काम आएगा, लॉजिक काम आएगा, ठीक है। तो ये रही वर्गो की रीडिंग, चलते हैं आगे की रीडिंग करते हैं। लिब्रा कैसा रहने वाला है लिब्रा का दिन आज का, देखते हैं। यहाँ पे सेवन ऑफ वेसल्स का कार्ड है और यहाँ पे मेरे पास एंजल गाइडेंस है सेवन ऑफ गैब्रियल। तो यहाँ पे लिब्रा आपका दिन आज अच्छा नहीं जाने वाला है, कुछ जो है ना आपको बैड न्यूज़ मिलेगी या फिर कुछ जो है ना यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है काफ़ी सैड रहने वाले हो आप, आपको लगेगा कि कुछ लाइफ में ख़त्म हो गया है, कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं, अचानक से जो है ना आपके सामने चैलेंजेस आ सकते हैं, कोई ना कोई कोई जो है ना बैड न्यूज़ मिल सकती है आज आप लोगों को, ठीक है। करियर वाइज भी देखें, हेल्थ वाइज भी देखें ना, तो यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है आज आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे भी सेवन है और यहाँ पे भी सेवन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पे कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है, लिब्रा। और आप लोगों की जो है ना नंबर, अगर नंबर वाइज भी देखें ना तो आप लोग सेवन नंबर पे आते हो, है ना, सेवन आप लोग काउंट कर लेना, सेवन सेवन सेवन। तो कुछ जो है ना सेवन का कुछ लफड़ा रहने वाला है आज आप लोगों के साथ, ठीक है। तो कुछ जो है ना कुछ यहाँ लिब्रा की लाइफ में कुछ आज अच्छा नहीं होने वाला है, थोड़ी सी जो है ना बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है कोई, ठीक है। और देखो यहाँ पे एंजल्स क्या बता रही हैं आपको कि आपको खुद के लिए जो है ना एक्शन लेना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, अपने आप पे विश्वास करना है, किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी और की आस नहीं लगा के बैठनी है, ठीक है। और खुद पे कॉन्फिडेंट रहना है, खुद पे विश्वास रखना है, ठीक है। और अपने पर्सनल पावर को जो है ना ये क्लेम करना है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं हार मान के बैठ जाऊं, मैं मान लूं कि हाँ मैं ये हूँ, नहीं, खुद पे जो है ना आज आप लोग खुद पे विश्वास रखो, क्योंकि आज का दिन जो है ना आपको अपना प्रूफ करना है, आप खुद को प्रूफ करना है, तो ये एंजल्स आपको बता रही हैं, ठीक है। तो खुद पे जो है ना अपने लिए स्टैंड लो, किसी और के लिए स्टैंड मत लेना, ठीक है, अगर कुछ होता है आपकी लाइफ में तो, ठीक है। तो आज के लिए ये है, तो लिब्रा आज की रही ये रीडिंग। तो अब हम अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं स्कॉर्पियो का कैसा रहने वाला है आज का दिन। द ग्रीन वूमेन का कार्ड है मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास है वाओ टेन ऑफ राफेल का कार्ड, ओके। तो एंड यहाँ पे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि यहाँ जो है ना आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है यहाँ पे किसी को जो है ना, जो जो भी मैरिड हैं उनको जो है ना आज बच्चे की न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो है ना मुझे यहाँ पे हरियाली ही दिखाई दे रही है, मतलब बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है आपका, चाहे लव वाइज, करियर वाइज या फिर आपकी हेल्थ वाइज भी देखें ना, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे जो है ना मुझे यहाँ पे एक जो है ना गुड न्यूज़ का भी दिख रहा है कि आप लोग को बच्चे के हवाले से जो है ना एक बहुत ही अच्छी जो है ना गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आपका, ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहती हैं एंजल्स, क्या एंजल गाइडेंस देना चाहती हैं आपको। तो यहाँ पे लव एंड ब्लेसिंग्स फिल योर लाइफ,
टेन ऑफ राफेल जो है ना ये बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो है ना अबंडेंस जो है ना अब आने वाली है। देखो यहाँ पे भी जो है ना बहुत सारे लोगों को आज जो है ना गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आज जो है ना बच्चे के हवाले से कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको, ठीक है। किसी की जो है ना यहाँ पे बहुत टाइम से आप लोग प्लानिंग कर रहे थे बच्चे की, और तो जो है ना वो आज गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको। यही एंजल्स भी आपको बता रही हैं कि अब आपकी लाइफ में जो है ना ये ब्लेसिंग्स, ये लव जो है ना आपकी लाइफ में सब चीज़ आने वाला है। देखो यहाँ पे जो है ना बच्चे है ना आप लोगों को दिख रहा है ना, तो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ये हारमनी है, रिलेशनशिप का हारमनी है। आपकी लाइफ में जो है ना ये सब अबंडेंस आने वाली है। अब आप जो है ना खुल के लाइफ को एंजॉय करोगे खुशी के साथ जो है ना। ये आज जो है ना आज आपको बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और आज आपका हैप्पी हैप्पी दिन रहेगा, ठीक है। खुशनुमा दिन रहेगा, रोमांटिक दिन रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं सैजिटेरियस का दिन कैसा रहने वाला है आज का। तो सैजिटेरियस क्वीन ऑफ बोस का कार्ड है यहाँ पे मेरे पास, और एस ऑफ गैब्रियल का कार्ड है। तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, क्वीन ऑफ बोस का कार्ड ये मुझे बता रहा है कि आपको जो है ना आज आप लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आज आप लोगों के करियर में देखा जाए तो यहाँ पे मुझे ग्रोथ होते हुए दिख रही है यहाँ पे। और कार्ड्स जो है ना मुझे ये भी बता रहे हैं, ये कार्ड मुझे ये भी बता रहे हैं कि आज जो है ना आपको किसी, अगर आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिल रही थी, जॉब नहीं मिल रही थी, इंटरव्यू नहीं हो रहा था, फेल हो जा रहे थे, डेमो दे रहे थे, नहीं हो रहा था कंप्लीट, तो आज मुझे यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है आपका। बहुत ही अच्छी जो है ना एनर्जी, यहाँ पे क्वीन ऑफ बोस का कार्ड आया है, तो ये मुझे बता रहा है कि आपको जो है ना आज वो चीज़ें मिलने वाली है। आप आज आपकी लाइफ में ग्रोथ, आज से जो है ना आपकी लाइफ में ग्रोथ स्टार्ट है। आज आपकी लाइफ में सारी चीज़ें जो है ना बहुत बहुत अच्छी रहेंगी। आपकी हेल्थ रहे, करियर रहे, या फिर जो है ना और जो भी है आपकी लाइफ में वो रहे, तो आज जो है ना आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ें होने वाली हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पे मेरे पास कार्ड आया है एस ऑफ गैब्रियल का कार्ड, तो ये जो है ना एंजल गाइडेंस है। ये एंजल गाइडेंस आपको क्या मिल रही है वो मैं आपको बताती हूँ। आज का एंजल गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि आप जो है ना आपकी लाइफ में कोई गिफ्ट आपको कोई दे सकता है, कहीं से कहीं गिफ्ट मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। आपकी लाइफ में जो है ना अचानक से चेंजेस आएंगे, बहुत ही बड़ी चेंजेस आएंगे। मैंने कहा ही कि देखो ये कार्ड भी मुझे यही बता रहे हैं कि आज आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और आपको जो है ना बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो है ना चेंजेस ऐसे आ रहे हैं कि एक जो है ना वंडरफुल चेंजेस आएंगे। आप खुशी से झूम उठोगे, नाचने लगोगे, गाने लगोगे, ऐसे कुछ जो है ना आपको मिलने वाला है न्यूज़, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी हेल्थ, ठीक है। तो ये रही सेजिटेरियस की रीडिंग। अब हम करते हैं कैप्रिकॉर्न की रीडिंग, देखते हैं कैप्रिकॉर्न का कैसा रहने वाला है आज का दिन। तो यहाँ पे मेरे पास है थ्री ऑफ बोस का कार्ड, और यहाँ पे मेरे पास एंजल गाइडेंस है नाइट ऑफ कैप्रिल का कार्ड। तो यहाँ पे देखो यह कार्ड जो है ना मुझे बता रहे हैं कि आपको किसी का वेट था, किसी चीज़ का वेट था अपनी लाइफ में। आपने किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे थे, या फिर जॉब का वेट कर रहे थे, करियर का वेट कर रहे थे, तो आज आपको आपकी इंतज़ार ख़त्म होने वाली है। आपको जो है ना अबंडेंस, अपनी खुशियाँ, आपकी जो है ना वो सब आपको मिलने वाला है, वो सब अब आपकी लाइफ में फुलफिल होने वाला है। यहाँ पे क्लियरली कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आज जो है ना दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है किसी किसी को यहाँ पे ट्रैवल भी करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे ये कार्ड्स भी मुझे बता रहे हैं कि आपकी जो भी विश है ना वो फुलफिल होने वाली है, ठीक है। तो आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे एंजल गाइडेंस क्या देना चाहते हैं, तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है ना टाइम एक्शन लेने का टाइम है, ठीक है। ये भी कार्ड जो है ना मुझे यही बता रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है ना आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। तो ये भी एंजल सभी आपको यही बता रही हैं कि आपको जो है ना ये टाइम जो है ना ये एक्शन लेने का है। ये आपके कैरियर के लिए हो, लव वाइज हो,
किसी भी लाइफ के किसी एरिया में जो है ना आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे इतने दिन से और ले नहीं पा रहे थे, तो आज जो है ना आपके लिए ये दिन अच्छा है, आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है। और उसके रिजल्ट भी आपको काफ़ी पॉजिटिव आएंगे। और यहाँ पे जो है ना आप जानते हो आज आपको एहसास भी कहीं ना कहीं हो गया है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं एक डिसीजन पे भी पहुँच चुके हो। और आप जो है ना वही एंजल साहब आपको बता रही हैं कि इतने टाइम से जो आप सोच रहे हो ना आज वो टाइम आ गया है करने का, तो एक्शन लेने का आज ये टाइम आ गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अब एक्वेरियस की तरफ, आज की रीडिंग यही रही कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए। चलते हैं एक्वेरियस का दिन आज कैसा रहेगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कार्ड है एक्वेरियस, फोर ऑफ एरोस का कार्ड है और यहाँ पे मेरे पास कार्ड है एट ऑफ राफेल का कार्ड। ओके, तो यहाँ पे जो है ना मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आज आप लोगों को जो है ना आराम करने की ज़रूरत है। आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो, किसी के बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप लोग आज सोच सकते हो। आज आप लोग जो है ना मुझे लगता है कि किसी एक पर्सन का जो है ना जो आपके दिल के बहुत करीब है उनके सपने भी आप लोगों ने देखे हैं और आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो आज। तो आज आपका दिन जो है ना आराम करने का है, आज जो है ना आप थका थका सा महसूस करोगे और आराम करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। किसी चीज़ की परेशानी रहेगी आपको, कोई कहीं से जो है ना थोड़ा सा जो है ना आपको ऐसा लगेगा ना कि हाँ मुझे बर्डन फील हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी जो है ना आप थोड़ा सा चैन की नींद लोगे। जो इतने दिनों से आपको की चैन की नींद उड़ी हुई थी वो आज आपको चैन मिलने वाला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखें तो एनर्जी ठीक ठाक है, यहाँ पे आज का दिन आपका ठीक ठाक रहने वाला है। तो यहाँ पे एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको वो हम देखते हैं। तो एट ऑफ राफेल का कार्ड है यहाँ पे, जो कि मुझे बता रहा है कि जो है ना कुछ चीज़ जो है ना आपका वेट कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका वेट कर रही हैं और आपको जो है ना उनके तरफ अपने कदम को बढ़ाना है, आपको चूज़ करना है। आप जानते हो कि हाँ कौन मेरे लिए सही है, क्या सही है, दोनों ही कार्ड्स जो है ना यही बता रहे हैं। ये भी थिंकिंग ही करते हुए मुझे कार्ड बता रहे हैं कि आज जो है ना आप बहुत थिंकिंग करोगे, बहुत कुछ जो है ना सोचने वाले हो, किसी एक्शन लेने के बारे में भी सोचने वाले हो आज। तो वही एंजल्स बता रही हैं कि ये जो है ना आप जानते हो कि आपको क्या करना है, क्या सही है, ठीक है। तो आप जो है ना उसी के अनुसार से आगे बढ़ो, वैसे ही कदम बढ़ाओ, ठीक है। आप इतनी थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, सही बात है, लेकिन जो है ना अब जो है ना आपकी वेटिंग जो है ना इतने टाइम से वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, तो ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और अब आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। आप जानते हो कि आपको क्या एक्शन लेना है, सही क्या है, ठीक है। तो आज आपको कुछ ना कुछ एहसास होने वाला है, एंजल्स आपको ये बता रही हैं। तो एक्वेरियस ये रही आज की रीडिंग आप लोगों की। अब चलते हैं लास्ट पाइसेस की तरफ, देखते हैं पाइसेस का दिन कैसा रहने वाला है आज का। द सन का कार्ड आया है मेरे पास यहाँ पे और मेरे पास यहाँ पे है चेंज योर लाइफ। ओके, यहाँ पे जो है ना कार्ड्स मुझे पाइसेस आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहे हैं ये कार्ड कि आज आप लोगों की लाइफ में बहुत ही खुशियाँ आने वाली हैं। आज आप लोग का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, एकदम खुशनुमा जाएगा। जो चीज़ें जो है ना आपसे अलग थी, आपसे छुपी हुई थी, अब वो चीज़ें जो है ना आपके सामने आज आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आपको अपने रिजल्ट का वेट था, कैरियर में ग्रोथ का वेट था, यहाँ पे जो है ना मुझे वो चीज़ें जो है ना ग्रोथ की तरफ बढ़ती हुई आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना एनर्जी ये भी है कि आप लोग यहाँ पे कुछ जो है ना एक्शन ले भी सकते हो, कुछ जो है ना आपको गुड न्यूज़ यहाँ पे मुझे मिलती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आज का दिन आज का बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि द सन का कार्ड आया है। अब देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपको। तो एंजल गाइडेंस देना चाहती हैं चेंज योर लाइफ। तो आप जो है ना आपकी लाइफ में जो है ना सडनली कुछ चेंजेस आएंगे आज, ठीक है। आज अचानक से जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना ख़त्म हो सकती हैं, वही एंजल्स बता रही हैं कि अचानक से जो है ना कुछ आपकी चेंजेस आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं और कुछ जो है ना ये
आपकी लाइफ में, अपने करियर में मुझे लगता है ना कि वहाँ से चेंजेस आने वाले हैं, कुछ आपको ऑफर मिलने वाला है, सडन जो है ना आपको ऑफर मिलने वाला है, कुछ यहाँ पे चेंजेस मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं। तो वही अंजल से बता रही हैं कि आज आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और आपकी लाइफ जो है ना ये ग्रोथ करती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो एंजल आपको यही बताना चाहती हैं, एंजल गाइडेंस यही है कि आप सोच समझ के जो है ना अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना, ठीक है। ये चेंजेस जो है ना आपकी ग्रोथ के लिए है, आप पहले उसमें सोचना समझना, ठीक है। तो ये रही एंजल गाइडेंस पाइसेस की रीडिंग। तो जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, जिनको अच्छी लगती है ये रीडिंग्स मेरी रोज़ सुबह की, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। मिलते हैं अगले दिन, तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आज का दिन आपका शुभ रहे। नमस्ते।